इस वीडियो का मकसद केवल दवाइयों की जानकारी देना है। अपने डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी कोई दवा न लें और ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि दवाइयों की आधी अधूरी जानकारी घातक होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित रंगलानी, स्टूडेंट ऑफ बी फार्म सेकेंड ईयर। इस वीडियो में मैं आपको मेफेनेमिक एसिड, जो कि एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी कैटेगरी की ड्रग है, उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा मेफेनेमिक एसिड के कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। मेफेनेमिक एसिड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी कैटेगरी की ड्रग है। मेफेनेमिक एसिड का इस्तेमाल दर्द से राहत पाने में किया जाता है। मेफेनेमिक एसिड पीरियड्स में होने वाले दर्द के अलावा सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों के दर्द और दांत के दर्द जैसी समस्याओं में होने वाले दर्द से राहत देती है। अब जानते हैं मेफेनेमिक एसिड कैसे काम करती है। मेफेनेमिक एसिड ब्लॉक करती है सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स की रिलीज को, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन, जो दर्द, बुखार और सूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जानते हैं मेफेनेमिक एसिड से होने वाले कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स के बारे में। मतली, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, भूख न लगना, सीने में जलन और बदहजमी जैसे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स आपको मेफेनेमिक एसिड टैबलेट लेने से हो सकते हैं। अब जानते हैं किन किन लोगों को मेफेनेमिक एसिड टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एल्कोहलिक, प्रेग्नेंट, ब्रेस्ट फीडिंग, किडनी और लीवर डिसीजेस वाले पेशेंट्स को डॉक्टर की सलाह के बिना मेफेनेमिक एसिड टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं मेफेनेमिक एसिड के डोसेज के बारे में। एडल्ट्स के लिए इस दवा का रिकमेंडेड डोज 250 टू 500 मिलीग्राम है, जो डॉक्टर द्वारा पेशेंट की कंडीशन देखकर प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर आप इस दवा की दूसरी खुराक लेते हैं तो ध्यान रखें कि पहली और दूसरी खुराक के बीच कम से कम 4 घंटे का अंतराल होना ही चाहिए। इस दवा के लंबे समय तक इस्तेमाल करने से स्टमक ब्लीडिंग और किडनी प्रॉब्लम जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मेफेनेमिक एसिड टैबलेट का इस्तेमाल खाना खाने के बाद ही करें। मेफेनेमिक एसिड के कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के नाम है मेफ्टल 500 बाय ब्लू क्रॉस लेबोरेटरीज, पॉनिस्टेन 500 बाय फाइजर। इसके अलावा भी मार्केट में कई पॉपुलर ब्रांड्स आते हैं। फ्रेंड्स, डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी कोई दवा ना लें, खुद डॉक्टर मत बने। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही मेडिकल वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मोहित रंगलानी फिल्म्स। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।